जयगुरु जी जी की संगत को नमन। एक गुरुकुल था, उसमें जो गुरु थे, जो गुरुकुल को चलाया करते थे, वो वृद्ध हो गए। उनको एक चिंता थी कि मेरे बाद इस गुरुकुल को कौन संभाल सकता है। तो उन्होंने सारे गुरुकुल के बच्चे जितने भी थे सब बच्चों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके उन्होंने बताया, कहने लगे भैया ये अब जो है आपको गुरु दक्षिणा देने का टाइम आ गया, तो लिहाजा एक काम करना, कल आप सब लोग अपने घर से जब कोई ना देख रहा हो तब जो है ना कोई चीज़ लेके आनी है मेरे को गुरु दक्षिणा में। तो वो सारे बच्चे जो है ना अगले दिन आए, तो उन्होंने पूछा कि आज एक वो सब ले आए, तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया कि जी मैं नहीं ला पाया। तो बाकी सारे बच्चों ने कहा जी हम ले आए। तो उसने गुरुजी ने उससे पूछा, कहने लगा भाई ये सारे बच्चे जो है ना सब जो है कुछ ना कुछ सब सामान जो है मेरे कहने पर गुरु दक्षिणा में ले आए, लेकिन तुम नहीं लेके आए। ऐसा एक भी क्षण नहीं मिला, ये टाइम नहीं लगा कि जिस समय कोई ना देख रहा हो और तुम जो है उसको कोई सामान उठा के ले आओ। तो उसने कहा कि गुरुजी मेरे को ऐसा टाइम नहीं मिला, मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन मेरे को ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि जब कोई ना देख रहा हो तब मैं कोई चीज़ लेके आऊँ। उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करना, कल आप लेके आना। वो अगले दिन भी खाली हाथ आ गया। तो गुरुजी ने उसको बोला, हाँ भाई क्या रहा, गुरुजी मेरे ऐसा टाइम नहीं मिला मेरे को जिसमें कि कोई ना देख रहा हो तब मैं उस चीज़ को लेके आऊँ, कोई चीज़ उठा के लाओ। तो गुरुजी ने बोला, कहने लगे ये बच्चे पहली बार में ले आए बाकी सारे, और तुम दूसरा दिन भी हो गया, तुम ये कह रहे हो कि ले कर रहे, तो वह ऐसा क्या हुआ कि तुम वो ऐसा टाइम तुम्हें नहीं लगा जब सबको लग गया। तो उसने बोला कि गुरुजी आपने जो पहली जो कंडीशन थी, इसकी कंडीशन ये थी जब कोई ना देख रहा हो तब वो चीज़ लेके आनी, वो मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ऐसा कोई क्षण नहीं आया कि कोई देख रहा हो ना देख रहा हो लेकिन ईश्वर और मैं, मेरे को ऐसा क्षण नहीं मिला जिससे मैं ईश्वर की नज़रों से और अपनी नज़रों से बचा सकूँ। और आपने ये बोला था मेरे को कि भी जब तक जब कोई ना देख रहा हो तब जो है वो चीज़ उठा के लानी है, तो ऐसा मौका मेरे को मिला ही नहीं। तो गुरु जिस चीज़ को चाह रहे थे कि मेरे बाद इसका आश्रम का कौन गुरुकुल को कौन चला सकता है, तो उन्होंने उसकी चुनाव करने के लिए यही था कि हम जो भी कर्म करते हैं चाहे कितने ही छुपके करें लेकिन दो आँखों से नहीं बच सकता, एक तो हमारे खुद हाथ से, हमारी आँखें जो है ना हम तो देखेंगे अपने कर्म को, और एक ईश्वर। 78 से मैं जो है ना नौकरी कर रहा हूँ, तो 78 से लेके मैं सुबह खा के जाता था और शाम को आके खाना, और जब तक मैं चाहे रात को 12 बजे घुसूँ मेरे को जो है ना भूख ही नहीं लगती थी। तो जो मैं रोटी खाता था उसमें से 2 चपाती सुबह और 2 शाम की होगी। अब आंटी परेशान, आंटी कहने लगी हम जो है ना जो 3-3 टाइम खाते हैं और 3-3 4-4 भी खा जाते हैं, सब्ज़ी अच्छी लगी तो और भी ज़्यादा खा जाते हैं, और आप जो है ये इतने बड़े होकर 2-2 रोटी खा रहे हैं। बच्चे कहने लगे पापा आप जो है ना ये इतनी रोटी खानी कम कर दी आपने, तो आप कभी रास्ते में जो ना आपको चक्कर आएंगे, बेहोश होकर पड़ोगे और पड़ोसी उठा के लाएंगे तब आपको पता लगेगा। मैंने कहा बेटे मेरे को एक टुकड़ा भी ज़्यादा खा लेता तो मेरे को परेशानी हो जाती कि सुबह टुकड़ा खा लिया तो शाम का दिक्कत हो जाती, शाम को खा लिया तो सुबह की दिक्कत हो जाती। मैंने कि जब मेरे को अंदर ही जाना ही नहीं हो रहा, मेरे को 2 से ज़्यादा भी भूख ही नहीं है, मतलब 2 में इतनी तृप्ति हो जाती है कि मैं आगे उसको सोचता ही नहीं अगली उसका खाने की, चाहे कितनी अच्छी चीज़ बनी हो। तीसरी एक चीज़ और उसके साथ डेवलप होगी अंदर दिमाग में कि ये सरकारी नौकरी, मतलब 86 से लेके और 2005 की बात है, 5 के उसमें स्टार्टिंग की बात है, क्योंकि 2005 में मेरे फादर जो है ना एक्सपायर हुए थे जनवरी में, तो मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा आपस में जो है कोऑर्डिनेशन था और काफ़ी बात करते थे। उसके बाद वह सीनियर मोस्ट मैं हो गया, वो पगड़ी मेरे सिर पर बंद गई उसमें 13वीं के दौरान पे। अब जो मैं बातें डिस्कस करके पिताजी से किया करता था वो बातें करने के लिए कुछ नहीं है, मदर को नहीं बता सकता, चो को नहीं बता सकता, भाइयों को नहीं बता सकता। अब वो जो डिस्कस मैं फादर से करता था वो एक वैक्यूम आ गया लाइफ में, एक लाइफ में वैक्यूम आ गया कि उस तरह की जो बातें उस लेवल की जो बातें हैं मैं फादर के अलावा किससे करूँ, बाहर के आदमी से घर की बात की नहीं जा सकती, अब किससे किया जाए। तो मेरी वो थी और उसी दौरान में ये चीज़ शुरू हो गई अंदर से आ गया कि ये जो है ना नौकरी छोड़ दे, मतलब 19-20 साल की अब नौकरी 18-19 साल हो चुके थे मेरे को और अंदर से ये हो रहा कि नौकरी छोड़ दे। पहली चीज़ वो मैं अच्छी जगह ढूंढने की बात करता तो बच्चों को सबको बताते, मैं अपने मुँह से बोलता था ऑलमोस्ट जो है हफ्ते में 2-1 बार मैं बोली दिया करता था घर आके। और दूसरी जो चीज़ थी कम खाने वाली जो है 2 चपाती खाने वाली है वो सबको पता थी बस घर में। तीसरी चीज़ ये थी कि मैंने कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई परेशानी नहीं है, और अंदर से ये भाव आ रहा है कि इसको छोड़ दे। अब इसको कैसे वो किया जाए मैं इसको बताऊंगा, परिवार में बताऊंगा, वाइफ को बताऊंगा, आंटी को बताऊंगा, या भाइयों को किसी को बताऊंगा, दोस्तों को बताऊंगा, क्या कहेंगे। तो मैंने जब मेरे से रहा नहीं गया 3-4 महीने उस प्रोसेस में मैं रहा, तो उसके बाद मैंने अपने दोस्तों में बताया पहले, क्योंकि वैसे भी जो पुलिस की नौकरी थी मैं अपने मन से जो है ना कभी पुलिस की नौकरी में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे जो विचार थे इस डिपार्टमेंट के बारे में वो शुरुआत में जब स्कूलिंग टाइम में कॉलेज टाइम में था मैं, तो मैं ये कहता था चाहे मैं नीच से नीच काम कर लूँ, चाहे नाली साफ कर लूँ, पर पुलिस में नहीं जाऊँगा। लेकिन सारे रास्ते बंद हो गए और ये पुलिस वाली नौकरी जो मिली, तो भारत में सबसे ज़्यादा यही है कि जो आपको मिल रहा है उसको कर लो, आपकी चॉइस
जो आप चाहते हैं वो आपको मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, इतने ऑप्शन नहीं है। तो मेरे दोस्तों ने बोला, कहने लगा कोई बात नहीं, अब इसमें हो रहा है तो इसमें चला जा। तो मैंने नौकरी ज्वाइन करी, लेकिन आज तक कभी अपने आप को मैं पुलिस नहीं बना पाया। जो वहाँ का माहौल है, जिस तरह से मेरे को अंदर से कभी वो चीज़ नहीं आई, मेरे अंदर कभी ऐसी भाव ही नहीं आ पाया कि मैं अपने आप को पुलिस समझूं। तो मेरे को था नौकरी छोड़ दे। दोस्तों ने बोला, कह रहे जी दिक्कत क्या है, किसी अफसर से कोई परेशानी है, कोई और परेशानी है वो बताओ, उसका इलाज करते हैं। मैंने कि कोई परेशानी नहीं है। कह रहा फिर क्यों छोड़ रहा है। मैंने कि बस ये नहीं पता मेरे को, कोई समस्या का हल नहीं हुआ। तो मैंने अपने साले को बताया, मैंने कि भाई ऐसे ऐसे बात है, और वो दिल्ली आया हुआ था, हम बाहर घूमने गए, तो मैंने उसको बताया अकेले में, मैंने कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है और ये नौकरी छोड़ने का मन कर रहा है। वो कहने लगे जीजा जी क्या क्या सोचा है, नौकरी छोड़ के क्या करोगे। मैंने कि ये नहीं पता, बस इसको है कि इसको छोड़ दे। कहना जीजा जी बच्चे आपके बड़े हो रहे हैं, सारी जो ज़रूरतें उनकी हैं, जो बड़ी बड़ी ज़रूरतें हैं, शादी ब्याह की है, बड़ी पढ़ाई की है, वो सारी ज़रूरतें अब शुरू होने वाली है, और आप जो है नौकरी छोड़ के करोगे क्या। मैंने कि मुझे आगे का नहीं समझ में आ रहा, बस ये है कि इस नौकरी को छोड़ दे। वो बात ये चलती रही 5-6 महीने का ये टाइम ऐसे निकलता रहा। लेकिन उसका मेरे अंदर ये ना तो चपाती बढ़ पाई मेरी, ना मेरे को कोई अच्छी जगह कोई ऐसी मिल पाई, उसी रूटीन में उसी उधेड़बुन में। और ये नौकरी छोड़ी जाए, कैसी छोड़ी जाए, क्या छोड़ा जाए, क्योंकि 20 साल की नौकरी होने के बाद VRS ले सकते हैं। जो उस टाइम पीरियड चल रहा था उसमें वो VRS वाली भी सीरीज नहीं थी। तो मैं बड़े अपने कसम था कि मैं कैसे करूं, अंदर से क्यों आवाज़ आ रही है कि इसका नौकरी छोड़ दे। तो उसी दौरान में जहां मैं नौकरी अपने सर्विस में जहां कर रहा था उस टाइम पे, वहाँ एक आंटी थे, तो उनकी अपनी परेशानी थी, उनके हस्बैंड चले गए, बच्चे थे, बहुत परेशान थे वो। तो उनको मैं लेके गया था एक जगह, कहीं यार मांगे, कहीं वो एक एक घंटे ताली बजा के जो है ना वो पता नहीं क्या क्या वो किया, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो मुझे एक दिन मेरे छोटे भाई का दोस्त है, जो मनोज अंकल है, जिनका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, वो मेरे छोटा भाई था, उसका क्लास फेलो था। तो उसका मुझे पता था कि उसके जो है ना लाइफ में एक्सीडेंट का बड़ा एक्सीडेंट का मास्टर है वो, कि जब भी मिलता था वो कोई ना कोई एक्सीडेंट बताता था, भाई साहब ये एक्सीडेंट हो गया, ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तो एक दिन मैं जमुना पार बदर के पास गया हुआ था, तो उससे मेरी मुलाकात होगी घर पे। तो एक पॉइंट था जहाँ से हम दोनों, वो अपने घर के लिए निकलता था, मैं पालम के लिए वापस आता था। तो मैंने उसको ऐसे ही पूछ बैठा जब डिपार्ट हो रहे थे एक पॉइंट से, तो मैंने उसको बोला, मैंने कि कैसे चल रहा है मनोज। कह रहा भाई साहब जब एक्सीडेंट तो वैसे ही हो रहे मेरे, लेकिन जब से मैं गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया मैंने, तो एक्सीडेंट के रिजल्ट वो नहीं आ रहे, ना तो मोटरसाइकिल में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आ रही है, ना शरीर में कोई प्रॉब्लम आ रही। तो मैंने उसको, मेरे अंदर वो चल रहा था कि उन आंटी की जो है ना समस्या बहुत ज़्यादा गहरी है, और वो ये है कि या तो समस्या दूर हो जाए वो, या वो बच्चों को लेके ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनके जो इन-लॉज थे उनके पीछे इतने पड़े हुए थे कि उस हिसाब से ये था कि उनको कि या तो वो ही ना मार दें, क्योंकि जो प्रॉपर्टी के मामले होते हैं इसमें जो है ना बड़े बड़े वो होते उसमें होते हैं, तो उनको सबसे बड़ा खतरा था। और मैं उनके साथ जो घूम रहा था, तो जो उनके साथ घूमते थे उनके साथ भी वो वारदात कर सकते हैं, उसका भी मुझे ज्ञान था। ऑफिस में हैं और बड़े परेशान हैं, और कई जगह घूम लिए, मैं भी गया हूँ, तो वो गुरुजी का जो है ना वो बता दे, मेरे को एड्रेस दे दे, तो मैं उनको बता दूंगा। तो उसने सिंपल सा अगला एक सवाल कर दिया, अगर भाई साहब जब आदमी ऐसे हालात में होता है, ऐसे परेशानी में जब बंदा होता है, जब उसको सारे रास्ते सारे दरवाजे बंद दिखाई देते हैं, उस समय उसका विश्वास करना मजबूरी है, पर जल्दी से वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि जगह जगह वो धोखा खाया होता है। तो कह रहे भाई साहब आप अभी बताओगे तो क्या क्या आपकी बात का असर होगा, आप एक काम करो, पहले गुरुजी के यहाँ आप चलो, और आप वहाँ जाओगे तो आपको जो महसूस होगा तब आप उनको आंटी को बताओगे, तो शायद आपकी बात का असर ज़्यादा होगा। तो मैंने उसको हाँ बोल दिया, मतलब चल ठीक है, पहले मैं आया था, मतलब मेरे वो जो नौकरी छोड़ने की बात आ रही थी या चपाती की बात आ रही थी, वो चिंता उनका उससे मेरी लाइफ में ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं था जिसके लिए मैं किसी पंडित के पास जाऊँ, किसी सियाने के पास जाऊँ, किसी तांत्रिक के पास जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं था। वो जो अंदर उथल पुथल थी वो मेरे अंदर की चीज़ थी। तो वो मुझे तो यही लगता कि फादर एक्सपायर हुए हैं, और उसके बाद जो मैं उनके बात साथ बैठ के डिस्कस करता था, जो लाइफ में छोटी बड़ी चीज़ें थी उनके साथ डिस्कस करता था, वो बड़ा इजी एक रास्ता मेरे को जो है ना बता दिया करते थे। कोई भी काम हो, कितनी बड़ी समस्या, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बड़े चुटकियों में जो उन काम उस काम को मेरे को करा दिया करते थे। तो मैंने कहीं ऐसा ना हो कि वही जो चीज़ है, वही जो फादर के साथ जो रेपो था मेरा, वही कहीं ना कहीं ना हो, क्योंकि मैं उन बातों को मैं किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहा, तो हो सकता वही अंदर घर कर गई हो, और ये मेरे मन में जो आ रहा है कि नौकरी छोड़ दे इसको। तो मैंने इसको 9 मार्च 2006 को मनोज अंकल के साथ में गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट जाने का पहले दिन अपॉइंटमेंट हुआ हमारा, 8 मार्च को तय हुआ था, और 8 ही मार्च को मेरे पास जो है ना कोर्ट केस थे जिनके मैं एफिडेविट साइन कराने अपने अफसर के से डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास गया था। वहाँ से साइन करा के वापस आया तो मेरा घर पहले पड़ता था, ऑफिस बाद में पड़ता था, मतलब जितना वहाँ से घर पड़ता था उतना ही आगे जो है मेरा ऑफिस पड़ता था। तो मैंने कि सुबह ऑफिस जाना ही है तो सुबह ले जाऊँगा, तो वो मैंने फाइलें सब अपने घर पे ही रख ली, जबकि अभी तक 86 से लेकर आज तक मैंने कभी ऐसा एक भी कागज़
यह सरकारी काम में घर पे लेके नहीं आया। वो वक्त मैंने काटा है दिल्ली पुलिस में कि मैं 3 रातें 4 दिन लगातार भी काम किया है वहाँ, लेकिन किसी काम को घर लेके नहीं आया। मैं घर में रखता हूँ, घर में आकर ऑफिस ख़त्म और ऑफिस में जाके घर ख़त्म, मतलब दोनों चीज़ों को बिल्कुल अलग अलग रखा है। तो मैं पहली बार लाइफ में, उससे पहले भी नहीं उसके बाद भी नहीं, वो पहली बार लाइफ में था कि मेरे को ये था कि अब वॉच क्या रख के आऊँगा, पहले इसको यहाँ रखता हूँ और सुबह जब जाऊँगा तो लेता जाऊँगा। सुबह मैं गया तो वो पॉलीथीन में थी, 4 फाइलें थी, वॉल्यूम थे, 4 वॉल्यूम थे फाइलों के, और 10 तारीख में वो हाईकोर्ट में केस लगे हुए थे। ऑफिस से मैं पहुँचता हूँ तो वो जो पॉलीथीन थी जिसमें फाइलें थी वो स्कूटर से गिर गई, और पाँव मैंने इसलिए नहीं लगा रखा था कि मैं उस पुराने वक्त का पढ़ा हुआ हूँ जब जो है ना किताब के ऊपर अगर पाँव किसी लग जाता था, क्योंकि ये कहते थे विद्या जो है विद्या की देवी है माँ सरस्वती, तो सरस्वती को अगर पाँव लगाए तो उसको कई बार माफ़ी मांगते थे, माथे से लगाते थे उसको, चूमते थे, तो इसलिए पाँव नहीं लगा रखे थे फाइलों को, तो फाइलें गिर गई। अब मैं ऑफिस में जैसे स्कूटर खड़ा किया पता लगा फाइलें गायब हैं, तो मैं वापस बिना किसी को बताए और मैं वापस चला आया और रॉन्ग साइड में पूरे रास्ते आया, मैंने कि जिस रास्ते से आया पूरे अपने क्वार्टर तक गया, और क्वार्टर से जाके मैंने देखा कोई नहीं है, कोई आसपास दिखाई भी नहीं दे मेरे को, कोई फाइल लेके बैठा हो, कोई साइड में रखी हो, कुछ नहीं है। मैं फिर वापस उसी रास्ते से वापस गया, इधर आसपास सारा देख लिया मैंने, लेकिन मेरे को कहीं वो फाइलें का मेरे को समझ में नहीं आया कि फाइलें गिरी तो गिरी का। एक पॉइंट ऐसा था जहाँ स्कूटर वाले ने मेरे सामने से बड़ा शार्प कट मारा था, तो वहाँ मैंने सडन ब्रेक मारे थे, तो मुझे कुछ वहम हुआ कि हो ना हो कि ऐसा ना हो पॉलीथीन फटके जो ना उस पर वो कुंडे से जो अटकी हुई थी वो फटके कहीं गिरी हो। तो मैंने जो इसके रोड की तरफ जो दुकानें थी जिनके मुँह रोड की तरफ थे उन सबसे मैंने इंक्वायरी की, और सब ने मना कर दिया कि यहाँ तो कोई ऐसी फाइल हमारे सामने कोई नहीं ऐसी पड़ी हुई दिखाई थी। और मैं ऑफिस चला गया, ऑफिस जाके मैंने अपने ऑफिस में बताई, मैंने कि आज ऐसे हो गया और कल इसका ये केस है और उसी में वो एफिडेविट है और वो ओरिजिनल फाइल भी उसमें। तो मेरे जो इंचार्ज थे उन्होंने बोला भी ये है कि बड़ी बात है ये, क्योंकि उनके जो दो केस थे वो दो लोग जो है दिल्ली पुलिस से डिसमिस थे और वो उन लोगों के केस थे, और ओरिजिनल फाइल खोने के बाद क्या है कि 10 तारीख को उनको पेश क्या करेंगे जब डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही नहीं। तो मैंने अपने सीनियर ऑफिसर को बताया, सीनियर ऑफिसर ने सिर्फ सिंपली बोला इतनी बड़ी बात के लिए उसमें भी ये गुरु जी की कृपा रही कि उस दिन जाने का मैंने उसको कमिटमेंट किया था उससे कि उस दिन मैंने जाना है गुरु जी के यहाँ, और उसी दिन वो मेरे साथ ऐसा हो गया कि जो नौकरी छोड़ दे वाली बात है उसका प्लेटफॉर्म तैयार हो गया कि अगर वो फाइलें नहीं मिलती तो मेरी इंक्वायरी चलती, और इंक्वायरी में मैं प्रूव ही नहीं कर सकता था कि उन फाइलों को मैंने क्या किया, लेकिन मेरी नौकरी जाने का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो मैं 5-6 महीने से ये अंदर अपने साथ जो द्वंद कर रहा था, अपने अंदर द्वंद चल रहा था कि इस नौकरी को छोड़ दे, तो वो चीज़ उस दिन वो प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। मैंने अपने सीनियर अफसर को बताया, जो हेड ऑफ ऑफिस थे उन्होंने मेरी बात सुनी और बात सुनकर बड़े कौन उससे उन्होंने बोले ऐसा है कि सरकारी फाइलें हैं, एक काम करो ढूंढ लो और थाने में जाके एक रिपोर्ट भी लिखा दे इसके बारे में, जबकि इतना ब्लंडर था वो कि उसके ऊपर कोई भी अफसर इंचार्ज भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो कुछ किसी भी हद तक जो है ना वो कर सकते हैं, गाली गलौच भी हो सकती थी वो, बाकी कई काम ऐसे हो सकते हैं, लेकिन मेरे को बड़ा आराम से उन्होंने बोला कि नहीं भाई ये सरकारी फाइलें हैं, एक काम करना वो आप थाने में रिपोर्ट लिखा दें। हमने जी थाने में रिपोर्ट लिखाई, उसके बाद ढूंढने की कोशिश की, और तो जितने भी आर के पुरम में वो काम हुआ था, आर के पुरम के जो सेक्टर थे जिनको मैं जानता था उनमें सब में मैं घूमा, जितने भी कबाड़ी थे उन सबके पास गया मैं, और कबाड़ियों के पास बोला कि जी ऐसे ऐसे सरकारी फाइलें हैं, पुलिस की फाइलें हैं, अगर कोई बेचने आए तो आप उसको लेके रख लेना, शाम को आएंगे एक चक्कर लगाएंगे तो आपके पास होगा, तो जो आपने पेमेंट किया उसको पेमेंट देके हम ले जाएंगे फाइलों। ये बात ख़त्म होगी। अब उसके बाद फिर पता हुआ क्या कि वकील का फ़ोन आया, वकील ने बोला कि जी वो हेड ऑफ ऑफिस के साइन नहीं चलेंगे, जो पार्टी हैं हमारे जो उनसे भी सीनियर ऑफिसर हैं उनके साइन चलेंगे एफिडेविट पे। तो हमने वो वकील से जो बनवाए थे तो सारे हमारे ऑफिस को पता लग गया था कि फाइलें गायब हैं। तो जो लाइजन ऑफिसर था हमारा, उस लाइजन ऑफिसर को जो है ना हमने फ़ोन किया, उसने कहा वकील ने जो ना वो तैयार कर दिया एफिडेविट, तो वो साइन कराने के लिए कैसे करें। तो हमने बताया, उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे फाइलें सुबह गायब होगी और अब हम क्या जाएंगे, तुम ये बता दो कि जी टाइम कम है, कल ये जमा होने और अभी सीधे वकील के यहाँ से आ रहे हैं और ये साइन कराने। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वहाँ जाके उनके स्टाफ को बता दिया कि जी वो फाइलें तो सुबह खो गई हैं और ये कल एफिडेविट जमा होना है तो साहब से ही साइन करा दो। तो उनके स्टाफ ने अंदर अपने ऑफिसर को बोल दिया कि जी तो लेके आए नहीं है, वो कह रहे सुबह खो गई हैं और ये एफिडेविट। तो उन्होंने बोला भाई बिना ओरिजिनल उसके जो है ना फाइल के रिकॉर्ड के मैं कैसे ये मान लूँ कि तुम ये रिप्लाई जो बना के लाए हो ठीक ठाक बना के लाए हो और आप ये काम करो ओरिजिनल लेके आओ। इसलिए हमें फ़ोन किया, कह रहे जी वो तो साइन मैंने कर रहे हैं, वो कह रहे जी ओरिजिनल लाओ। फिर मैं गया एक सरकारी मोटरसाइकिल लेके और एक कांस्टेबल हेडक्वार्टर में, वहाँ जाके उनके स्टाफ को बताया कि जी ये साइन होना है, कल जमा होना है।
उन्होंने अंदर जाके बताया जी वहां से ऐसे ऐसे जो आए हैं और वो साइन के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने अंदर बुला लिया, जबकि जो लाइजन ऑफिसर थे उनको उन्होंने अंदर नहीं बुलाया, बाहर से बाहर आउट कर दिया था। मेरे को अंदर बुला लिया, अंदर बुला के मेरे से बोला मैंने कहा ये साइन होने एफिडेविट, क्या भी वो ओरिजिनल रिपोर्ट था। अब मैं चुप हो गया क्योंकि उनकी नॉलेज में था, उनकी बात करने की जो टोन थी उससे पता लग गया कि इनकी नॉलेज में फाइलें गायब हो गई हैं, गुम हो गई हैं। तो मैंने कहा जी वो फाइलें तो सुबह ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन मेरे पास कुछ फोटो स्टेट पड़ी है उसके केस की, तो वो मैंने उनके सामने रख दी। तो मेरे ही सामने उन्होंने करीब जो है 20 मिनट से आधे घंटे मेरे ऑफिसर से बात की और उनको बहुत अच्छी 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 सुनाई, लेकिन मेरे साथ कोई भी ऐसी कोई बदतमीजी, कोई लूज वर्ड्स इस तरह का कोई इस्तेमाल नहीं किया। तो तब तक मेरे को समझ में नहीं आया था कि ये कृपा किसकी चल रही है, क्योंकि मैंने मेरे जाने का जो वचन मैंने वहाँ दिया था वो सारी उसके बाद में उसका पता लगता है कि वहाँ से उन्होंने फिर वो साइन भी कर दी है। जब हम वापस आ रहे हैं उस समय एक फ़ोन कॉल आती है उस मेरे साथ जो कॉन्स्टेबल था उसके फ़ोन पे, उसने नया फ़ोन लिया था और जो फाइलें गुम हुई थी उसमें एक डायरी थी, उस डायरी में उसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, उसने नया फ़ोन लिया था मेरे को लिखाया था, तो मैंने डायरी में लिख लिया। तो उसने बोला कि जी आपकी एक डायरी मिली है, और इतना कह के उसने फ़ोन काट दिया फ़ोन करने वाले ने। तो उसने मोटरसाइकिल रोकी, तो मैंने कहा कि क्या कह रहा है ये, कह जो कह रहा डायरी, मतलब जब डायरी है तो फिर वो तो पॉलीथीन भी होगी और वो फाइलें भी उसके पास ही होंगी। तो मैंने इसे कॉल बैक कर, उसने कॉल बैक किया, उसने ठीक से जवाब नहीं दिया, काट दिया। फिर दोबारा कॉल बैक किया, उसने फिर जवाब नहीं दिया। तो तीसरी बार मैंने उसको बोला, वो सीधा बोल के पुलिस की फाइलें। तो जैसे उसके तीसरी बार उसने फ़ोन उठा के वो उसने बोला जी पुलिस की फाइलें हैं, तो उसने रोक लिया। उसने हमने बताया कि जी ऐसे ऐसे जो है सुबह ये ऐसे ऐसे हो गया है, वो फाइलें हो गई गिर गई थी उससे स्कूटर से। तो उसने बताया जी ठीक है आप जो है ना सेक्टर 6 के एसटीडी बूथ पे आ जाओ। अब सेक्टर 6 का एसटीडी बूथ कितने हैं, कौन सा है, उसने कुछ नहीं बताया, बस ये है कि एसटीडी बूथ पे आ जाओ। हम पहले ऑफिस जाने के बजाय, क्योंकि 10 तारीख वाला काम हमारा हो चुका था, साइन हो चुके थे एफिडेविट, तो हम जैसे ही वहाँ गए और पहले एसटीडी बूथ पे रुके, हम जैसे ही हमारी मोटरसाइकिल खड़ी होती है सरकारी, वैसे ही वो जो बंदा था उसने फाइलों का गट्ठा उठा के और अपने काउंटर पर रख दिया पॉलीथीन समेत। तो हम गए उसके पास में, जाने के बाद हमने उसको बोला कहना जी देख लो चेक कर लो। मैंने कहा भाई अगर चेक करने वाली बात थी तो ये मिलनी नहीं थी। तो मैंने कहा भाई ये हुआ कैसे, कह रहे जी ये लड़का बैठा था सुबह, दे देना कोई पूछना है। उसके आसपास की सब दुकानों से मैंने पूछा था, लेकिन उस एसटीडी बूथ से इसलिए नहीं पूछा कि उसकी रोड की तरफ पीठ थी, उसका मुंह अंदर की तरफ था, इसलिए उससे नहीं पूछा था। जबकि उसके यहाँ उसके सामने उस लड़के ने बताया जी तो दिन में जो है ना करीब जो है यहाँ आधे घंटे खड़े होके गए, लेकिन उसने पुलिस शब्द उस पर लिखा हुआ फाइल पे लिखा देखने की वजह से डर के मारे उसने नीचे रख दिया। और शाम को जब उसका मालिक आया तो मालिक को उसने दिखाई थी जो हमें फ़ोन कर रहा था। तो मैंने तभी उसको अपने कांस्टेबल को बोला, मैंने कि भाई एक काम कर, अब फाइलें तो मिल गई हैं, तो मैंने कि भाई एक किलो या मिठाई लिया, बर्फ़ी लिया, तो मैंने उनको बर्फ़ी देने लगा। वो कहला नहीं नहीं जी इसकी कोई बात नहीं, हम तो ये डर रहे थे कि किसी गलत हाथों में फाइल ना चली जाए, सरकारी फाइलें हैं, और अगर आप ही जो इस पर फ़ोन नंबर था इस पर भी बात हमारी कन्फर्म नहीं होती तो हम थाने में जमा करा देते यहाँ के। तो मैंने उसको उनको जो बर्फी कहला कर जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भाई देखो पुलिस सबका खाती है, लेकिन ये पहली बार है कि पुलिस किसी को खिला रही है। ऑफिस गए तो हमें मेरे को पता खबर मिली कि जब मेरे हेडक्वार्टर से जो ऑफिसर से जब बात हुई मेरे सीनियर ऑफिसर की, तो उसे समझ में आ गया कि उस ये फाइलों की गुम होने की बात जो ना हेडक्वार्टर में जा चुकी है। तो उसने इमीडिएटली मेरे खिलाफ जो है इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए, इंक्वायरी के बोल दिया उसको इंस्पेक्टर को कि भाई इंक्वायरी करो इसमें। तो मैं जब मिला तो उसने इंस्पेक्टर ने बताया कर जी ये तो इंक्वायरी मेरे को इंक्वायरी दे रखी है तुम्हारी। तो मैंने कहा जी जो फाइलें सुबह गुम हुई थी वो वैसी की वैसी मिल गई हैं। तो उसी समय जो इंक्वायरी के ऑर्डर हुए थे उसी समय वो फाइलें मेरे को मिलने से जो इंक्वायरी के ऑर्डर थे उसी दिन वो ख़त्म हो गए। क्योंकि 3 बजे के करीब जो है ना मनोज अंकल का फ़ोन आया था मेरे को, वो कह रहे भाई साहब कहाँ मिल रहे हो। तो मैं भूल गया उन फाइलों को गुम होने के चक्कर में, भूल गया कि आज मुझे शाम को गुरुजी के यहाँ जाना है एम्पायर स्टेट में। और मैं उनको उसने 3 बजे फ़ोन किया, कह रहे भाई साहब कहाँ मिल रहे हो। तो मैंने कहा आज सुबह मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, मेरी फाइलें गुम हो गई हैं और कल हाईकोर्ट में इसके केस लगे हुए हैं, तो लिहाजा जब तक इनसे मेरा पीछा नहीं छुट जाता मैं किसी बारे में नहीं सोच सकता। मेरे बदर एक किसी बालाजी के यहाँ गए थे, पूछने गए थे, उन्होंने भी अपना देख के बताया था, कह रहे जी बड़ा मुश्किल है फाइलों को मिलना मुश्किल है। लेकिन मेरे मुँह से जो शब्द निकले थे कि जब तक इससे मेरा पीछा नहीं छूट जाता मैं कहीं जाने की नहीं सोच सकता, तो जो जिस दिन वो समस्या आई थी मेरी ज़िंदगी में वो समस्या उसी दिन ख़त्म होगी। और जो मेरे अंदर चल रहा था 5-6 महीने जो अंदर घोल रहा था मैं अपने आप को कि नौकरी छोड़ दे नौकरी छोड़ दे, तो ये पहले से मैसेजिंग चल रही थी अंदर, पहले था कि हाँ नौकरी छोड़नी है, तो तब ये अंदर चल रहा था। जब 12 मार्च 2006 को गुरुजी गए पहली बार मनोज अंकल के साथ मैं गया एम्पायर स्टेट, वह कई चीज़ मेरी जो है वो पिक्चर क्लियर हुई। पहली
कि मेरे को एक अच्छी जगह मिली जो ढूंढता था कि 6 बजे के बाद का टाइम और बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो, 2-2.5 घंटे में कहाँ बिताऊँ, उसके लिए जो अच्छी जगह अच्छी था मैं ढूंढ रहा था वो मेरे को मिली। दूसरी चीज़ जब मैंने देखा कि कालीन है उसके ऊपर संगत बैठी हुई है और गुरुजी की गद्दी लगी हुई है और गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं और सब अपने आराम से बैठे शांत पिन ड्रॉप साइलेंस है, तो जो 14 साल पहले बालाजी के भगत जो उन्होंने बताया था कि एसएससी जीके में जो है ना वो गुरुजी हैं और वो गद्दी पे बैठते हैं बाकी संगत नीचे बैठती है और ध्यान लगाती है कालीन के ऊपर। दूसरी चीज़ वो दिखाई जो मेरे अहम या मेरे अकल लगाने से जो है 14 साल के बाद यू टर्न आया गुरुजी के यहाँ, जो मैं अंकल से अगर उस दिन बालाजी के भगत से जिन्होंने अपनी 20-25 साल की तपस्या जो थी बालाजी की वो एक ही झटके में छोड़ के और गुरुजी की शरण में आ गए थे, मैं नहीं समझ पाया कि मेरा जो सवाल था उसका जवाब मिल गया और मैं अपने अहम में कि उस दिन हमारी जो बातचीत हो रही थी जो तर्क वितर्क हो रहा था उसमें मेरी जीत हो गई कि हाँ बालाजी से बड़ी भी कोई शक्ति है। जब वो अंदर गया तो वो नज़ारा देखा जो उन्होंने 14 साल पहले मुझे बताया था। तीसरा जब लंगर मिला तो एक तो 4 लोगों को साथ एक साथ बैठा के आपकी जो अहम है जो समस्या है ऊंच नीच का मामला है जात बिरादरी का मामला है या स्टेटस का मामला है जो भी कुछ मामले हैं वो सारे वहाँ ख़त्म, मुझे नहीं पता सामने वाला कौन है क्या है कैसे है वो चीज़ ख़त्म कर दिया। जो हालांकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी शुरू से स्कूलिंग से कभी इसका जात पात का कभी ध्यान ही नहीं किया, सिर्फ इंसान सही होना चाहिए वो उसकी कास्ट क्या है वो कहाँ से है क्या है उसका कभी ध्यान नहीं दिया, उस इंसान मतलब इंसानियत उसके अंदर होनी चाहिए। तो मेरी जो ज़्यादातर दोस्ती रही है वो उन्हीं लोगों के साथ रही है जिनके अंदर मैं अपना अक्स देखता था। तो मैं वहाँ जब गया तो दूसरी चीज़ वही कि वहाँ बैठे फिर 2-2 चपाती सबके हिस्से की थी, तो जो 2 चपाती खाई तो 2 चपाती खाने से मेरे को उतना सेटिस्फेक्शन हुआ जो मेरे घर पे 2 चपाती में खा रहा था उससे होता। तब मुझे महसूस हुआ कि ये तो मेरे को प्रैक्टिस कराई जा रही थी कि इस प्रोसेस में आने से पहले मेरे को गुरुजी ने पहले ही 6 महीने पहले से 2 चपाती सुबह और 2 चपाती शाम को एक वो डाल दिया। वो जब गुरुजी के यहाँ जब लंगर किया तो तब मेरे को आया कि हाँ ये जो प्रैक्टिस थी ये यहाँ के लिए थी। उसके बाद जब वहाँ से लंगर लेके बाहर आया तो वो अंकल जो गुरुजी के दर्शन बांट रहे थे तो मैंने पहली बार इसलिए हाथ आगे बढ़ाया फिर वापस ले लिया कि हाथ झूठे हैं क्योंकि लंगर किया, क्योंकि सारी ज़िंदगी यही करता रहा उससे पहले पूजा पाठ का था। तो मैं उस प्रोसेस में चला गया, हाथ धुलाने के प्रोसेस में चला गया, उसके बाद जल प्रसाद पिया, जल प्रसाद के बाद फिर हाथ धुलाने की धुलवाने वाली जो लाइन थी हाथ धोने की लाइन में लग गया, फिर वापस आया तो अंकल चले गए। तो मैं किनारे में खड़ा था, मुझे पहले गुरुजी से आगे लेनी होती है तो मुझे नहीं पता था वहाँ का क्या प्रोसेस है, पहले ही दिन था। मैंने उसको बोला मनोज सर मैं था, तीसरा कोई नहीं था आसपास, कोई हमारी वार्तालाप को नहीं सुन रहा था, फिर वहाँ का माहौल ऐसा साइलेंस थी और बाहर भी ऐसी ही साइलेंस थी, कोई बोलता था तो बड़े हल्के से बोलता था, मतलब शोर मचा के नहीं, कोई आवाज़ देखे वाली बात नहीं थी। तो मैंने बड़े आराम से उसको बोला बहुत हल्के से, मैंने कि मनोज यार मैं तो ऐसे से जो है ना हाथ झूठे होने की वजह से हाथ धोने की लाइन में लग गया, फिर जल प्रसाद की में लग गया और फिर हाथ धोने की लाइन में लगा और इतने अंकल जो है वो बांट रहे थे गुरुजी की फोटो और वो तो गुरुजी के स्वरूप जो है वो तो चले गए अंदर। तो उसने छूटते मेरे से बोला कर भाई साहब आप पहली बार आए हो और पहली बार ही ये गुरुजी के स्वरूप मांग रहे हो, कह रहा मैं 3 महीने लगातार डेली मत्था टेका है और तब जो है गुरुजी की कृपा हुई है तब मेरे को गुरुजी का स्वरूप मिला था और आप पहली बार आए पहली बार मांग रहे हो। तो उसने पहले ही ये बता दिया था कि भाई गुरुजी जो है ना किसी से वो नहीं करते, जानी जहान है सबको जानते हैं, उनके सामने जो भी जाता है या जिसको वो अपनी तरफ बुलाते हैं उसका सब कुछ पता है, उसका पिछला भी पिछले जितने जन्म है वो भी पता है, उनको जो चल रहा है वो भी पता है और जो आगे होना है वो भी पता है और जो अगले जन्म होंगे वो भी पता है। ये चीज़ कन्फर्म थी कि उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ पूछने की जरूरत नहीं, वो तो उसने पहले ही बता दिया था। लेकिन ये उसने तब बताया कि भाई साहब ये तो प्रायोरिटी और टाइमिंग गुरुजी की है, इसलिए गुरुजी ने वो किया कि वहाँ टाइमिंग प्रायोरिटी वाली बात आई तो मैं चुप हो गया कि जब ना उनको कुछ बताने की जरूरत है ना उनसे कुछ पूछने की जरूरत है और ना मांगने की जरूरत है कि वो जानी जहान है सब कुछ आपको जो है ना वो टाइम और प्रायोरिटी उनकी है क्या कब कैसे देना है, तो मैं चुप हो गया, साइड में खड़ा हो गया कि अगला जो प्रोसेस होगा जो ये बताएगा उसमें कर लूँगा। वो तो उसने मेरे को कहा कि अंकल भाई साहब जो है जो ना गुरु जी से आगे लेके जाना होता है, जब तो गुरु जी आगे नहीं देते तब तक जो है ना वो गुरु जी के दर से कोई नहीं जाता। तो मैं उसके साथ लाइन में लगा तो अंदर से वही अंकल आए, उस दिन तो मैं नहीं जानता था, बाद में तो पता लग गया कि सिंगला अंकल थे, वही अंकल आए, उन्होंने नीले हल्के नीले उसका कलर का जो है ना कुर्ता डाल रखा था, मेरे पास आके उन्होंने जेब में हाथ डाला, हाथ में 2 स्वरूप गुरु जी के लिए थी वो क्लिप करने वाले जेब में जो लगा सकते हैं, तो क्लिप वाला वो उन्होंने एक मेरे हाथ में रखा और एक किसी और को देखे फिर अंदर चले। तो जो टाइमिंग और प्रायोरिटी थी गुरु जी की जो उन्होंने बताया था, उसने मनोज ने बताया था, वो मेरे को उसी दिन ख़त्म कर दी। ये कई ऐसी चीज़ें थी जो गुरु जी ने डे 1 में ही मेरे इक्वलाइज कर दी कि उसमें आगे मेरे को सोचने की जरूरत नहीं।
फिर पहले ही हफ्ते से जो पहला वनडे पड़ा तब से गुरुजी की कृपा से जो है ना बड़े मंदिर जाना शुरू हो गया। जबकि एम्पायर स्टेट में जब हम सेवा करते थे उस समय बहुत जो संगत थी आती थी वहाँ, हमारे से पहले आ रही थी संगत, उनको बहुतों को हमने पूछा मैंने कि बड़े बड़े मंदिर, तो वो कहते हैं जो बड़ा मंदिर कौन सा, कह रहा मंदिर तो यही है गुरुजी, गुरुजी बैठते हैं। क्योंकि सेवा में जब हम थे तो वो बोल बात जब कोई करते थे सेवादार बात करते थे कि बड़े मंदिर की छोटे मंदिर की बात करते थे, लेकिन संगत को आई थिंक 90% संगत को ये नहीं पता था कि बड़ा मंदिर भी कोई है। क्योंकि बड़े मंदिर गुरुजी या तो खुद लेके जाते थे या किसी संगत के साथ भेजते थे, जब तक गुरुजी आदेश नहीं देते थे तब तक वहाँ कोई संगत अपनी मर्जी से नहीं जा सकते थे। लेकिन मेरे साथ गुरुजी की कृपा ये रही कि मैं डे वन में जो है ना गुरुजी के स्वरूप जो मेरे को मिले, और उसी के साथ में पहले ही वीक में जो मंडे पड़ा उसी से जो है गुरुजी के बड़े मंदिर जाना शुरू हो गया। तो दूसरे हफ्ते में फिर ये हुआ कि अंकल आए जो सेवादार थे वहाँ, मैं बैठा हुआ था, और जैसे मैं वहाँ बैठा हुआ था फ्रंट में बैठा हुआ था क्योंकि जल्दी भाग के जल्दी पहुँचता था, तो घुस के जो है ना पहली रो में ही लगभग बैठने का मौका मिलता था, पहली या दूसरी उसी रो में बैठा करता था मैं। तो अंकल ने आके जो है ना अनाउंसमेंट, तो वो ऊपर जाए, क्योंकि मार्च 2006 में जब मैंने जाना शुरू किया था उसी के साथ साथ जो है ना संगत मल्टीपल बढ़ने लगी थी, और पहले नीचे नीचे से काम चल रहा था जैसे मनोज अंकल बताते थे, लेकिन देखते देखते वो संगत बढ़ गई और वो ऊपर बैठाने लगी संगत। तो मैं आगे बैठा हुआ था, उन्होंने पुरानी संगत ऊपर जाए, मैं चुपचाप बैठा हुआ था क्योंकि मेरे को तो पता है मेरे को तो गिनती के दिन हुए, दूसरा ही वीक था, चौथी पाँचवीं या छठी हाजिरी नहीं होगी। लेकिन वो थोड़ी देर बाद वो आए, कुछ लोग उठ के जो है ना ऊपर चले गए, लेकिन मैं वहीं बैठा हुआ था। कुछ देर बाद फिर वो अंकल आए, अंकल आके उन्होंने फिर वो अनाउंसमेंट कर दिया जो पुरानी संगत जो है ऊपर जाए, मैं फिर वहीं बैठा हुआ था। तीसरी बार वो आए आके जो है ना मेरी आँख बंद थी तो मेरे कंधे पे हिला के मेरे को बोला अंकल ऊपर जाओ। मैंने मेरी समझ में नहीं आया कि मेरे को तो गिनती के दिन हुए कैसे ये अंकल जो है ना मेरे को ऊपर भेज रहे, लेकिन मैं ऊपर चला गया, मेरे से नीचे नहीं आया। क्योंकि ये है कि सेवादार जो आपको वो देने हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये मान के चलो कि जो गुरुजी का ही आदेश है तो उसमें जो है ना आप अपनी तरफ से आर्गूमेंट करना ये करने नहीं है, उसको मानने में ही हमारा जो है ना कल्याण है। तो जो सेवादार है वो संगत का भी ख्याल रख रहा है और गुरुजी की गरिमा का भी ख्याल रख रहा है, तो वो जो कह रहा है तो उसको कमेंट करने के बजाय अच्छा है कि उसको मान ले। उसी में सेल्फ डिसिप्लिन वाली बात है कि गुरुजी डिसिप्लिन नहीं चाहते थे, डिसिप्लिन तो डंडे के जोर से होता है और वो फेल भी हो सकता है। जैसे आज भारत के जो इसका जो समाज का इसका जो नक्शा है वो इसलिए बिगड़ा हुआ है कि ये कानून और डिसिप्लिन को कोई मान के राजी नहीं है, किसी के डंडे में जोर है तो बनवा लो। तो गुरुजी के यहाँ डिसिप्लिन वाली बात नहीं है, यहाँ है सेल्फ डिसिप्लिन। हर संगत अपने आप को काबू में रखे, वो अपने अंदर असेसमेंट करे कि क्या उसने करना है गुरुजी के यहाँ, क्या गुरुजी का आदेश है, क्या करने का आदेश है, क्या नहीं करने का आदेश है, उसी के हिसाब से अपने आप को करें और उस चीज़ को ही फॉलो करें जो गुरुजी के गाइडलाइन है एक तरह से। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही अंकल ने बोला मैं बिना किसी उसके मैं ऊपर चला गया, लेकिन मैं बड़ा उधेड़पुर में था कि भाई मैं पुरानी संगत में कैसा हो गया। लेकिन मेरे को जो मेरे अंदर जो मैं अभी अभी ये जो अभी जो गुरु जी सत्संग करा रहे हैं तब जाके वो चीज़ मेरे से क्लियर हुई कि पुरानी संगत में तब हो सकता हूँ जब 14 साल पहले गुरु जी ने अपना मैसेज मेरे पास भेजा था उन बालाजी के भगत के थ्रू, लेकिन मैंने अपनी लगा के अकल लगा के मैं नहीं मतलब गुरु जी के बारे में ना पूछा ना उनके पास जाने की जिज्ञासा अंदर, वो अंकल से बोली कि मेरे को भी वहाँ ले चलो। लेकिन गुरु जी ने उस दिन जिस दिन मेरे को गुरु जी के बारे में उन्होंने बताया था कि जी के मैं गुरु जी ऐसे ऐसे गुरु जी हैं वो बैठते हैं गद्दी पे और बाकी संगत नीचे बैठती है, उस दिन गुरु जी ने अपनी शरण में मुझे ले लिया था, मेरा हाथ उसी दिन पकड़ लिया था, और यही वजह है कि दूसरे हफ्ते में ही मेरे को पुरानी संगत के नाम पर ऊपर भेज दिया गया। क्योंकि वो जो पीरियड था वो पीरियड जोड़ने के बाद मेरी समझ में आता है कि मैं हाँ तब मैं जाके वो जो पुरानी संगत वाली जो बात है कि जो उन्होंने अंकल ने बोला पुरानी संगत ऊपर जाए और फिर मेरे को हाथ लगा के स्पेशली बोला कि अंकल ऊपर जाइए, तो वो तब थे कि जब वो 14 साल भी जुड़ जाएं उसमें, वो 14 साल भी उसके अंदर जुड़ जाएंगे तब ये पुरानी संगत वाली बात आएगी। तो उस 14 साल के पीरियड में जो मेरे साथ एडवर्स या कुछ भी मेरी लाइफ में था वो भी गुरु जी ने संभाला है। मैं था कि मैं हनुमान जी का भगत हूँ, रामलीला में पार्टिसिपेट करता हूँ पूरे मन से, कीर्तन मन धन से मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, पूजा पाठ है वो सारी मेरी जो वो थी वो सारी अरदास जो उधर लगी हुई थी जो भी कुछ थी वो सारे इतना उन्होंने सबने काम किया है कि उन्होंने गुरुजी का दर मेरे को दिखा दिया, मतलब सीडीओ का काम किया है। गुरुजी को पाने के लिए तो मैंने कुछ नहीं किया, ना मेरे को पता था कि क्या करना है, ना आज भी पता है कि गुरुजी को पाने के लिए मैंने क्या करना है, लेकिन ये गुरुजी को पता था। उस दौरान में मैं उस जब गुरुजी के यहाँ नहीं गया था लेकिन मेरे को उस गुरुजी के बारे में पता लगा था। उसके बाद का मैं वाक्य बताता हूँ कि मैं एक बार
आंटी स्कूल गए थे तो मैंने, मेरी छुट्टी थी उस दिन, तो मैंने कहीं जाना था, तो आंटी मदर के पास जाना था मैंने जमुना पार, तो आंटी ने बोला कि जब तक भाई स्कूल से ना जाओ आप नहीं जाना। तो मुझे लगा कि आंटी जो है अभी गए हैं, 7:30 बजे गए हैं और ये अब 1 बजे तक आएंगे, तो मेरे को एक छोटा सा काम था, मेरे को मैं उस काम के लिए निकला है मैं कि आंटी के आने से तो पहले मैं आ जाऊँगा। तो उस दिन सुबह जब मैं खाना खा रहा था तो जो दही थी, दही की कटोरी उल्टी हो गई थी, थाली में से गिर गई थी और उल्टी सारी बिखर गई। तो आंटी ने बाद में बताया कि मेरे को जिस टाइम दही गिरी थी मेरे को तभी कोई शंका थी कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है, इसमें आपको रोक के गई थी। और मैं उनके निकलने के बाद में ताला लगा के और उस काम के लिए निकल गया। जब मैं वापस आ रहा था अपने स्टैंड पे बस से उतर रहा था, तो मैं ही अकेला जो वो सवारी था जो उतरना था उसी स्टैंड पे, और मैं जैसे उतरा उसने हल्की सी ब्रेक मारी ड्राइवर ने, और मैं उतरा जैसे ही तो हाथ ऊपर से छोड़ दिया और मेरी जो पैंट है वो एक उसमें दरवाजे जो था उसका बस का उस दरवाजे में हुक्म अटक गई। अब हुक्म अटक गई तो थोड़ा सा झटका लगा उसको निकलने में, फिर क्या हुआ कि मैं रोल होके जो है ना बस के नीचे चला गया। तो मैंने सिर्फ इतना देखा है कि मेरे सिर पे पिछले दोनों टायर जो उसके हैं बस के वो सीधे आ रहे हैं बिल्कुल, मैं और वो जो टायर है वो बिल्कुल पैरेलल है, और मैंने कैसे वो उसमें से नीचे से, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि कितनी फुर्ती कितने उससे मैंने जो है ना उसमें से करवट लेके 360 से भी ज़्यादा का शायद वो लिया होगा और मैं बाहर निकला है, और बस जो है वो ऐसे निकलती हुई चली गई, ना बस रुकी ना बस वाले को शायद पता लगा होगा और मैं उसके नीचे से आ गया। तो मेरे से उसने पूछा, कहने कि आपने ये क्या करना है, इसमें प्लास्टर करना है ऑपरेशन कराना है? मैंने कहा डॉक्टर साहब, डॉक्टर आप हैं, इस हाथ के लिए क्या ठीक है वो बताओ। कहने जी वो तो 6 महीने बाद भी होगा तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो रेडियल हेड है ये टूटने के बाद ये जुड़ती नहीं है, क्योंकि मूवमेंट वाली जगह है और ये अगर इसमें ही पड़ी रहेगी तो आपके हाथ को प्रॉब्लम होगी, आपकी जो मूवमेंट है जो थोड़ी बहुत होनी है वो भी नहीं होगी। तो मैंने कहा जी जो इस हाथ के लिए ठीक आपको लगता है वो आप बताइए। उसने कहा जी ये तो ऑपरेशन है। उसने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद जब हम उसको दिखाने गए तब उसने बताया, कहने जी आपकी रेडियल हेड टूट गई है, और रेडियल हेड टूटने के बाद क्या है कि आप नीचे इसको कोई चीज़ हैंग तो कर सकते हो लटका के हाथ को, लेकिन उस चीज़ को लिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ताकत जो है वो रेडियल हेड में होती है और वो आपका टूट चुका है। मैंने कहा चलो हाथ तो सलामत है, इतना तो है कि भी वैसे उठा लिया जाएगा कोई बात नहीं है। वो चलता रहा प्रोसेस, मूवमेंट उसकी कराते रहे, इसकी सिकाई वगैरह भी होती रही सारी, हो गई मूवमेंट काफ़ी ठीक हो गई। डॉक्टर भी वो डॉक्टर बोला, डॉक्टर शर्मा था वो डॉक्टर बोला, कहने लगे जी आपके हाथ की मूवमेंट काफ़ी अच्छी है। तो आज के लिए संगत को यही मैं अपना जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जय गुरु जी।